अस्सलामु अलैकुम, आदाब अर्ज़। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। चाय खाने से मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम सोहेल और मैं हूँ सना कादर। जी, आज की महफिल इस लिहाज से बहुत ख़ास है और ख़ूब है कि दो नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। इनके ख्यालात भी सुनेंगे और इनके फ़न पर भी बात करेंगे। सना, बहुत मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ अंबर हैं और तुराब हैं। अंबर जो हैं पेशे के अतबार से अदाकारा हैं और तुराब जो हैं पेशे के अतबार से जो है मौसीकार हैं और सितार नवाज हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब नई नस्ल के लोगों को इस तरह का संजीदा काम फ़नून लतीफ़ा काम करते हैं। सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि मतलब इतनी कम उम्र में ये लोग अभी फील्ड में बिल्कुल इन हो चुके हैं। बिल्कुल, हम आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी अंबर, तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अंबर ने पढ़ाई की, तो सना अब क्या आप समझती हैं? सबसे पहले मैं तो आपसे ये पूछूंगी कि सबसे पहले बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं अंबर कि एक एक्टर के लिए तालीम कितनी ज़रूरी होती है, उसकी बताएं उसे। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको सब कुछ आ रहा होता है फिर भी तालीम ऐसी है कि आपकी पहचान करवा रही होती है हर जगह। क्योंकि सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं है, हर जगह बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, और उनमें मतलब कि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप बात नहीं कर पा रहे होते, आप अपनी पहचान नहीं करवा रहे होते, तो इसलिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अंबर, ये बताइए असली ज़िंदगी में भी अदाकारी करनी पड़ती है? हाँ, कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत हो। हाँ, मुझे लगता है कि इस दौर में तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई अदाकार है, चाहे वो हो या ना हो, हर कोई अदाकार है यहाँ पर। अच्छा, तो मूड को कंट्रोल कर लेती हैं आप? जैसे कि ज्यादातर ऐसा होता है घर में कुछ और माहौल होता है, कभी खुशी कभी गम, और एक्टिंग बिल्कुल ही अलग है। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, कि कभी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रहा होता है, कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा होता, और डेट्स होती हैं या कोई थिएटर प्ले होता है, तो अपने आप को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो मतलब कि इतने सारे लोग हमें देखने के लिए बैठे हुए होते हैं, और वो फौरन जज कर लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो वो फिर जब हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है तो वो फिर बाहर आके हमें बताते हैं कि आप थोड़ा सा सैड थी, और आप थोड़ा सा खुश थी, ये थी वो थी। तो इसलिए मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और मूड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो खुश है या दुखी? आज तो खुश लग रही है। आज तो खुश हूँ। खुश हूँ आज। होता ये है कि जब किसी प्ले में कोई करेक्टर किया जाता है तो उसकी रिहर्सल इतनी ज्यादा की जाती है कि वो बाज़ दफ़ा आप पे गालिब आ जाता है। जो थिएटर के हमारे दोस्त हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे, लेकिन तुराब तो बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, वो तो पता चल रहा है। क्या हाल है? ताज़ा ताज़ा आप यूरोप से वारिद हुए हैं और बरतानिया में आपने बड़ी धुआंधार परफॉर्मेंसेस की हैं, ज़रा पहले तो वो बताइए ना तफसील, फिर बाकी बातें करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा रहा यूरोप का टूर, और काफ़ी ही एक नया एक यू नो एक स्टेज देखने को। ये पहली बार था? ये मेरा वेस्ट में पहली बार था। अच्छा, ठीक है। वरना मिडिल ईस्ट तकरीबन मैं घूम चुका हूँ। ठीक है। वेस्ट में मेरा फर्स्ट टाइम था। ठीक है। तो वहाँ के लोगों का और वहाँ पर बजाना एक यहाँ से अपनी वहाँ से बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क है। सुनने में, देखने में और बजाने में, तो एक आपको एक अच्छी वाइब्स, जब ऑटोमेटिक जब अच्छी वाइब्स आती हैं आपके पास तो आप अच्छा ही करते हैं, चाहे वो फनुल लतीफ़ा का कोई भी काम हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शायरी से अगर से बात करूं, तो शेर, अगर शायर कोई शेर बोलता है तो अगर वाह ना करे तो शायर का दिल चाहता नहीं है कि दोबारा कोई नया शेर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें, जब इससे सारी चीज़ें से मर्ज हैं, सारे एक दूसरे से इंडल्ज हैं, तो ये सब का ही एक ही काम है। चाहे वो अंदाजन कितने दिन आप रहे वहाँ? मैं वहाँ रहा हूँ 17 दिन। 17 दिन, और 17 दिनों के अंदर काफी कुछ नया कुछ सीखने को मिला। और लाइव और आर्टिस्ट अच्छा वही होता है जो डे बाय डे सीखता रहे। सीखे, सही बात, बिल्कुल। सीखना के, सीखने का अमल बहुत जरूरी है भाई। देखें, चाहे अदाकारी हो, चाहे वो मौसीकारी हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी शोभा हो, जब तक आप अपने आप को आमादा नहीं रखते कि हमने सीखना है और जिंदगी से हमें कुछ ना कुछ लेना है और फिर वापस भी देना है, तो इस पूरे अमल में आप एक मुकम्मल फनकार बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आप लोग इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि जिस दौर में अब आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अदाकारी है, चाहे वो सितार नवाजी और दीगर जो आपके मामलात हैं,
کہ آپ کو سہولتیں ہیں, آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس 125 طریقے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے جو پہلے کے لوگوں کو نہیں ہوتے تھے. تو لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی پرابلم تو نہیں پیدا کرتی؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت کمپٹیشن بھی کریٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس سے ایگزامپل دوں گا, سب سے اچھی ایگزامپل ہے یوٹیوب. اچھا, جتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے اتنا ہی کیا نام ہے لوگ آپس کے اندر نا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگرچہ ہم پرانے وقتوں کی بات کریں, یعنی کہ 90s 60s کی بات کریں, 70s کی بات کریں, 50s کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے خان صاحب لوگ گاتے تھے بجاتے تھے. اچھا, تو اس میں ہوتا ہی تھا کہ یار اب ایک جگہ خان صاحب کو کسی کو سن لیا, ٹھیک ہے, تو اب فار ایگزامپل کوئی دوسرا گھرانا ہے, اب وہ اپنے گھرانے کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, محنت وہ گھر میں چپ کر کے لوگوں کو سناتا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اگر آپ کو بخار بھی ہوا نا تو یوٹیوب پہ آ گیا, یہی ہو رہا ہے. تو کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا, بے صبرپن بھی بڑھ گیا. اچھا بھی ہے, اور ظاہر بات ہے ہر چیز کا جہاں پر آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن پازیٹیو لینا چاہیے, نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے نہ کام میں نہ مزاج میں. کیوں عمر ایسا ہی ہے؟ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور یہ سب چیزوں کا نقصان بھی آپ کے خیال سے یا فائدہ بھی ہے آرٹسٹ کو؟ مطلب کہ جتنے فائدے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنے زیادہ نقصان بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر آپ پوسٹ کرتے ہیں, تو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی چیزیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی آپ کو پازیٹیو ہی بتائے گا, اور وہ لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی انرجی بالکل ڈاؤن کر دیتے ہیں, کہ وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں یہ کیا تھا, آپ نے یہ نہیں یہ کیا تھا, اور اتنی محنت ہوتی ہے اس سب کے پیچھے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہم نے کی ہے, اور جب کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے یہ کیا یا اس طرح سے یہ کیا, تو بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی کنٹرول کرنی چاہیے. یہ ہے کہ آپ بتائیں ضرور کہ کیا خامیاں ہیں, لیکن لائیو اس طرح سے نہ لوگوں کو وہ کریں, تو اس سے تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. چلیں ہمارے شو کے ذریعے آج آپ ان لوگوں کو پیغام بھی دے دیں کہ کیا کمنٹ دینا چاہیے ان کو, آج بتا دیں ان کو کہ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ بھائی ہاں اچھا کیا اور اچھا کر سکتے ہیں, اس میں آپ اور اچھا کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ نہیں فلاں نے اچھا کیا تھا تو اس نے اچھا کیا تھا تو آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اور یہ کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس سچویشن میں یہ ہو رہا ہے, کیسے ہم نے کیا ہے, کیا اس کی انوائرمنٹ تھی, کیا ریکوائرمنٹس تھی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوتی, تو آپ پلیز نہ وہ کیا کریں. صحیح بات ہے. دیکھیں اب تھیٹر کا تو معاملہ یہ ہے کہ کئی کئی مہینے ریہرسل کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے, اور جب وہ ایکٹر اسٹیج پر آتا ہے اور اگر فرض کریں کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ پورا پلے اس کا خراب کر دیں یا اس پہ تنقید کی بوچھاڑ کر دیں. صحیح, ایسا تو نہیں ہے. تو آپ ابھی اتنی ینگ ہے, آپ نے ایکٹنگ ماشاء اللہ سے اپنا ایکٹنگ کا کریئر بھی اسٹارٹ کر لیا, ایجوکیشن کیا ہے آپ کی, اس کے حوالے سے بتائیں. ایجوکیشن جب میں ناپا میں تھی گئی تب میرا صرف میٹرک ہوا تھا. اچھا, تو انہوں نے بہت زیادہ یہ کہا کہ نہیں اس ٹین ایج میں تو ہم نہیں دے سکتے یہ وہ, تو میں نے بہت ان کو انسسٹ کیا کہ نہیں میرا انٹرسٹ ہے پلیز پلیز پلیز, تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم آڈیشن لیں گے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آڈیشن دے دوں گی. اب انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ دیا, تو ہم نے تو جیسے اردو ہوتی ہے ہم نے ویسے ہی پڑھ کے, اور میں نے کہا ہاں ہاں میں ریڈی ہوں ریڈی ہوں. پھر جب میں نیپک گئی وہاں پہ آڈیشنس ہو رہے تھے, تو وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے پہلے آڈیشن دے دیے تھے, تو انہیں جو ہے وہ آئیڈیا تھا کہ کس طرح کرنا ہے. تو جب میں نے وہ سنا تو میں نے کہا یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میری تو کوئی تیاری نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے تو اتنی اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور مجھے سلیکٹ نہیں ہونا, میں سلیکٹ ہوں گی نہیں, اور میں وہیں پہ امید ہار کے نا بیٹھتی. لیکن پھر اللہ کا شکر ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو جائے, تو پھر آڈیشن دیا, ان کو سمجھ آیا, تو پھر ایڈمیشن ہو گیا میرا. اچھا تراب, آپ کا گھرانہ دہلی گھرانہ جی اور ستار کے حوالے سے معروف گھرانہ جی, تو ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے مختصراً کہ اس گھرانے کی تاریخ کیا ہے, اور پھر آپ کے دادا نانا اور ماموں اور جو دیگر فیملی کے لوگ اور ان کی پھر اپنی ایک شہرت اور ساکھ, اور پھر آپ تک یہ سفر پہنچا اور اب آپ اس کو لے کر آگے ماشاءاللہ چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ. اچھا, دہلی گھرانہ بیسکلی جو ہے وہ ستار کا گھرانہ نہیں رہا شروع سے. ٹھیک ہے,
जब तबला इन्वेंट हुआ तो वो दिल्ली घराने से हुआ, हमारे फोर फादर ने इन्वेंट किया तबले को। ठीक। बहुत से इंडिया में भी हर जगह इस बात को माना जाता है कि दिल्ली घराना इन्वेंशन ऑफ दिल्ली घराना तबला। ठीक। अच्छा, फिर तबले के बाद बड़े बड़े हमारे उस्ताद यानी कि गुजरे बुजुर्ग गुजरे, उस्ताद नथू खान साहब, उस्ताद इनाम अली खान साहब, गामी खान साहब, वो गुजरे। इसके बाद हमारे ख़ानदान के अंदर दिल्ली घराने के अंदर सारंगी आई। ठीक है। जिस पे सारंगी में उस्ताद अहमदी खान साहब, अहमद हुसैन उनका नाम था, उन्होंने सारंगी बजाई और उनके शागिर्द इन पूरी दुनिया में हुए, जिनमें से कुछ मैं आपको बता दूँ, पंडित राम नारायण जी इंडिया के। अच्छा, बहुत मारूफ नाम। बहुत बहुत मारूफ नाम। और अल्लाह रखा खान साहब पाकिस्तान के। वाह। नथू खान साहब। अरे वाह, बड़े बड़े नाम हैं ये सारे। अच्छा, फिर इसके बाद जब वो सारंगी का जब इख्तिताम हुआ, जब वो दुनिया से पर्दा कर गए, फिर इसके बाद हमारे नाना उस्ताद इमदाद हुसैन खान साहब, बिल्कुल अहमद खान साहब के बेटे, उन्होंने सितार, फिर हमारे घराने में सितार आया। ठीक। अच्छा, सितार के बाद फिर उन्हीं के बेटे मेरे, वो मेरे मामा भी लगते हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद इखलाक हुसैन खान साहब। वहाँ तक जब सितार आया तो मैं उस वक्त बहुत 8 साल का होता था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो जब मैं अक्सर वो बजाते थे, तब वो म्यूज़िकल फैमिली में बॉर्न होना, आपको पता है कि वो जेनेटिक्स, आपने पता है क्या होते हैं कि वो जो होता है इंसान तो उसको वो आ ही जाता है। बिल्कुल सही बात। तो वो जाते थे तो मैं सितार पे छेड़ता था, मैंने कहा यह क्या है, बड़ा अच्छी आवाज़ लगती है मामा के, यहाँ पर बैठ के सितार सुनकर डिस्टर्ब कर रहा हूँ उनको। और तबले का भी बड़ा शौक था। तो एक दफ़ा हमारे क्या हुआ, हमारी लबक्शे नानी वो बीमार थी। अच्छा। तो वो ऐसी बेड पे बैठी हुई थी, तो मैं जब वो नाना और मामू बजा के रियाज करके हटे, तो मैंने खुद निकालना शुरू किया कि सारे गाँव बादन ईसा। अच्छा। तो उन्होंने देखा ऐसे करके, तो मेरे नाना को बोला कि इमदाद खां, तुम तुराब को सितार शुरू करवा दो, ये तुम्हारा बड़ा नाम करेगा। अच्छा। तो बस वो दिन हुआ। और आज का दिन है, टोटली पूरी ज़िंदगी जितनी भी है अब तक जो गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ सितार के नाम है। क्वालिफिकेशन भी साथ साथ चलती रही, लेकिन पढ़ाई भी आपकी साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल। और क्या नाम है, खेल तो बिल्कुल बंद, आपका क्रिकेट और गुल्ली डंडा यही है सब सब कुछ शुरू से, यानी कि। और अच्छा, मजे की बात क्या होती है कि जो म्यूजिशियन या आर्टिस्ट होता है, अच्छा ये दोनों चीज़ें मैं मुख्तलिफ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। आर्टिस्ट अलग होता है, एक म्यूजिशियन अलग होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब वो क्या हुआ कि करते करते हम जब सितारे हमने सीखा, जब स्टार्ट सब कुछ हो गया, तो सारा खेल सब बंद। और जो मैं बात कह रहा था कि मिजाज में ना बड़ा फ़र्क आता है, वो चाहे जो भी काम करे। अब जैसे कोई एक्टिंग है, तो वो एक्टिंग अगर चाहे वो कॉमेडियन एक्टर है या कोई विलन है या कोई सीरियस है, स्पेशलिटी खुसूसियत स्पेशलिटी होती है, तो उसके अंदर ना कोई वो चीज़ होती है जिसका वो स्पेशलिटी उसके ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। इसी तरह हमारे काम में भी है। बिल्कुल। इस काम में जो खुसूसियत है उसको हमने सुनना है, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है, वापस आगे फिर अंबर से भी बहुत सारी बातें रहती हैं जो करनी है, सना ने और मैंने और आपसे भी करनी है, और कुछ आपसे सुनना भी है। जब तक आप सोचें कि आप क्या सुनाएंगे, और हमारे देखने वाले तो हमारे साथ हैं ही, वापस आइए ब्रेक से और फिर हम तुराब से कुछ सुनते हैं। जनाब, तो ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी तुराब से कि उनके अंदर मौसिकी का शौक आखिर किस तरह पैदा हुआ। अब अंबर से जानते हैं कि अंबर, आपके अंदर एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ। बेसिकली बचपन से एक्टिंग का शौक नहीं था मुझे, मतलब मैं देखती थी कि अगर क्रिकेट में किसी को पजीराई मिल रही है तो मैं क्रिकेट कर लूँ। अच्छा। अगर किसी को म्यूज़िक में मिल रही है तो मैं म्यूज़िक कर लूँ। और मैं अकेले गाती रहती थी और क्रिकेट भी बच्चों को लेके और सबको लेके क्रिकेट वगैरह भी खेलती रहती थी। तब तक जो है वो ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो एक्टिंग में आया हो
या किसी ने एक्टिंग की हो. तो उसके बाद फिर जब बड़े हुए तो एक अंकल हैं, वो मतलब हमारे रिलेटिव हैं, उनकी बेटी, वो उनको एक्टिंग का बहुत शौक था और उन्होंने भी नेपे से ही जो है वो थिएटर डिप्लोमा किया, उसके बाद वो एक्टिंग में आई. तो जब मैंने उनको टीवी में देखा तो मैंने कहा यार जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती. तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे एक्टिंग के लिए कुछ करना है. तो उन्होंने कहा इस तरह से तो नहीं होता, ये वो, अभी तुम छोटी भी हो, ये हो. तो मैंने कहा फिर मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मतलब मैं एक स्टेप तो लूँ, मुझे कुछ लगे तो मैंने कुछ किया है. तो उन्होंने कहा फिर तुम नेपा जाओ, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें लेंगे, लेकिन तुम जाओ एक बार, मतलब चेक कर लो, शायद वो तुम्हें ले लें. तो फिर मैं नेपा गई और फिर मैंने एडमिशन लिया. वैसे ख़ानदान में और कोई नहीं है, कोई भाई बहन या अच्छा. कोई कज़न या कोई भी नहीं है, और फर्स्ट मैं हूँ अपने ख़ानदान में. और मैं शुरू से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे ये था, और मतलब अपनी जो स्कूल में जो पार्टीज़ होती थी तो सबको पता था कि ये थोड़ा मतलब इस तरह से करती है, तो वो सारे मेरे पास बैठ जाया करते थे. थोड़ी सी पागल है तो वो सारे, कोई भी इवेंट होता था. हाँ, आर्टिस्ट पागल ही है, पागल है वो बिल्कुल. तो अच्छा. कोई भी इवेंट या कोई भी पार्टी या कुछ भी होता था तो सारे मेरे पास कि यार ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा, ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा. तो सब मतलब सब हम लोग कर लेते थे कि हाँ प्लान ये, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है. लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब लोग मतलब भाग जाते थे कि मुझसे नहीं हो रहा, फला बंदा देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, अम्मी आएंगी, टीचर आएंगी. तो फिर सबको मैं मैनेज करती थी और मैं मतलब कि हाँ कि चलो मैं करवा रही हूँ ना, मैं करती हूँ ना आप लोगों के साथ ये वो. तो फिर इस तरह से होते 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 यहाँ तक आ गए. सही. तुराब कुछ सुनाइए ताकि ज़रा माहौल में सुर बिखरे और पता चले. तो क्या सुनाएंगे? मैं आपको आज थोड़ा सा एक पीस सुनाता हूँ, अलाप सुनाता हूँ राग देश का. ठीक है. और आप कुछ बता भी रहे थे, आपने कुछ खुद कंपोज भी किया कुछ, वो अलग चीज है. वो एक अलग चीज है. अच्छा, इसके बाद वो भी सुनाइएगा. जरूर जरूर सुनाइए, सुनाइए. तो ये राग देश में क्या चीज सुना रहे हैं आप? राग देश में मैं आपको एक अलाप सुना रहा हूं, एक शॉर्ट अलाप सुना रहा हूं. ठीक है. ये जाहिर है टाइम का भी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका आपको सुन के बड़ा एक मजा आएगा. जरूर जरूर. क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही जबरदस्त राग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा. आप मतलब जिस लिहाज से आप बिल्कुल ही खो गए थे, बहुत जबरदस्त. वैसे किसके ख्यालों में खो गए थे?
मैं तो सितार के साथ ही आप भी खो गए थे, कहीं चला गया था. मैंने तो आपको बहुत सुना है, कई सालों से सुन रहा हूँ. और ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं, ये तो भाई बहुत ही कमाल बजाते हैं. लेकिन चूंकि वक्त हमारा थोड़ा होता है शो का, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सुना रहे. वरना मैं जब इन्हें पहली बार मैंने सुना था ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसे लग रहा था इस कॉलेज के किसी लड़के को पकड़ के ले आए और वो वहाँ बैठा हुआ है चूड़ीदार पजामे में और बजा रहा है, और ऐसा बजा रहा है कि क्या बात है. तो नो डाउट तुराब ने वक्त अपनी उम्र से बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें सीख ली, जिस तरह अंबर ने जो है वो एक्टिंग इनके अंदर पहले से मौजूद थी, उसका इदराक बाद में हुआ, फिर उसकी तरबियत लेके प्रॉपर उसको सीखा. माहौल का होना बहुत जरूरी है, माहौल का होना बहुत जरूरी है, और माहौल की ही वजह से सभी कुछ हो सकता है. तो आप सच्चा होना भी बहुत जरूरी है, सच्चा होना बहुत जरूरी है. सच्चे सुर तभी लगते हैं, सच्ची अदाकारी तभी होती है. अगर आप सच्चे नहीं है अपने फन से, अपने आप से, तो आप लाख पर्चियों की मदद से कहीं भी पहुंच जाएं, ढेर हो जाता है आदमी. अगर वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है कि आप हो गए, आ गए, चले, लेकिन जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं है टैलेंट, तब तक आप नहीं कर पाते. सही बात है. और कहते हैं ख्यालात जो होते हैं ना, वही मौसिकी की जुबान है. कुछ बिल्कुल ऐसा ही. देखिए, असल में जितना भी हमारा जो काम है, एक तो सारा जितना भी हमारा म्यूजिक का काम है, सब स्पॉन्टेनियस काम है. बिल्कुल ठीक है, फिक्स्ड काम नहीं है. अच्छा, कुछ चीज़ें फिक्स्ड भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप रैंडम आके आपने किया. वो लोग और थे जो करते थे, और वो जो किया उन्होंने वो बिल्कुल नापैद है. बिल्कुल. तो लेकिन होता अच्छा और जो सच्चा आदमी है, जो जिसे कहते हैं जी सच्चा सुर लगा है, बिल्कुल, तो वो ये आमद होती है एक्चुअली. बिल्कुल. ना जैसे स्पॉन्टेनियस काम होता है, अगर मैं कोई यहाँ से किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये कलर्स मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है कलर का, तो मैं उसको देख के मैं वो मुझे एक रिफ्लेक्ट एक मूड बनेगा, एक मेरा मूड बन रहा है. और इसी तरह कॉम्पोजिशन में सारी चीज़ें इसी तरह होती हैं. हमारे दादा नशाद साहब जो पाकिस्तान के इंडो पाक के, बल्कि बिल्कुल बड़े सगीर पाको हिंद, पाको हिंद के. वाह. तो माहौल की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, माहौल की उनको तो मैंने खैर देखा नहीं, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ. और एक दफ़ा मैंने जब इंटरव्यू उनका सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. वाकई बहुत बड़ी. और फिर घर में फादर मेरे सिंगर, फिर मेरे ताया मौसिकार वाजिद अली नशाद, उनके बेटे आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने वाजिद साहब का फिल्मी काम भी सुना है, क्या कमाल कंपोजिशंस बनाते हैं वो. क्या बात है, क्या बात है. वाकई. तो ये काम इसी वजह से आता है सीखने से. और वो एक पुराने बुजुर्गों की मिसाल थी ना कि दिखिया सिखिया पर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. तो ये तीन उस्ताद बड़े होने चाहिए लाजमी. बिल्कुल बिल्कुल. जितना सुनने से आता है आए हाय उतना मेरे ख्याल से. हाँ, अदब का काम है ना ये. अदब का काम, सच्चाई का काम है. तो सुनने से आप यकीन करें. मेरे आपके साथ आया जब भी मेरे उस्ताद उनको उनका 2016 में उनका इंतकाल हुआ था, तो मुझे याद नहीं कि जब भी उन्होंने मुझे कुछ सिखाया हो तो मैं कभी उनके बराबर में आके बैठा. हाय हाय क्या बात. यकीन जाने मेरे हाथ में साज है. ये मेरी एक अंदर से एक वो होती थी, एक फील होता था कि नहीं अच्छा जब हम बात कर रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स पे बात कर रहे हैं या खबरों पे बात कर रहे हैं, तो उनके साथ में बैठा हूँ. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. जहाँ मुझे उन्होंने कहा ना जब मेरा रियाज का टाइम हुआ कि चल भाई, जब उन्होंने सितार लिया और जब मैंने सितार लिया तो मैं कभी भी ऊपर नहीं बैठा. सही. ये देखे ना, तभी तो आप ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं. यही तो बात है, यही तो बात है. अंबर, आप किन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं? फ्यूचर प्लानिंग कैसा ना कुछ पूछे ना भाई इनसे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जो सारे सीनियर्स हैं. अच्छा. और जूनियर भी ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उनके साथ काम करना चाहिए. तो सीनियर्स में जो है वो सिमी पाशा, सबीहा हाशमी बहुत अच्छी है. उनके साथ काम किया भी है मैंने और फ्यूचर में भी उनके साथ काम करना चाहती हूँ मैं. और सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा, आई थिंक रुबीना अशरफ से सीखा. अच्छा, वाह. कि वो जो है वो मतलब सच्ची बंदी हैं. बिल्कुल. मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आप एक्टर हो या आप उनके साथ हो या कुछ हो तो वो आपके साथ बहुत अच्छा नाइसली बिहेव करेंगे. नहीं, वो जो सच्ची बात है वो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा ही है. और अगर मेकअप में भी वो बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि यार मतलब छोटी है तो इस पर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ये वो, तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है. हाँ, वो ऐसी ही हैं. तो अच्छा, वैसे किसी मेल का नाम नहीं लिया आपने?
मेल में लो भाई दो खवातीन एक जाओ चले घर चले मेल में भी हैं आबिद अली सर आबिद अली सर के साथ मैंने काम किया वहाँ पे असल में मुझे थिएटर अब करना नहीं है तो वहाँ से मतलब वो नहीं है इनको ये डर है कि नाम लिया तो कहीं थिएटर प्ले के लिए करना ना पड़ जाए मुझे वैसे वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मेरे टीचर्स हैं सर फवाद हैं और सर सुनील हैं सर जैन हैं टीचर्स में मिस उज़्मा हैं बहुत अच्छी हैं उनसे पढ़ा भी मैंने बहुत और जब मैंने थिएटर छोड़ दिया तो उसके बाद उनकी कॉल्स भी आई कि यार हम ये प्ले कर रहे हैं तो आप आ जाओ तो उसमें असल में थिएटर में मसला ये होता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा और फिर ये कि आप उसमें ही खोकर रह जाते हैं आप और कुछ नहीं कर पाते तो थिएटर से इसलिए थोड़ा सा मैं दूर भागती हूँ बस और कोई प्रॉब्लम मुझे ये बताएं कि जैसे कि ख्वातीन जो है एक्टिंग दो अब मुझे बताएं कि अलग अलग है आपकी पर्सनल लाइफ भी है प्रोफेशनल लाइफ भी है एक ख्वातीन होने के नाते कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है बहुत सारी हैं ऐसी कि जिस माशरे में हम रहते हैं और फिर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि पहले कोई है नहीं अगर कोई नानी दादी या कोई बहन या कोई इस तरह का होता है तो फिर आपको सपोर्ट रहती है कि वो आपको हर बात पे इनक्रेज कर रहा होता है कि नहीं ठीक है फैमिली को भी बोल रहा होता है कि नहीं इसको टाइम दो ये करेगी बाद में ये वो घर वर लेकिन जब कोई नहीं होता तो ये होता है कि पेरेंट्स तो बाज़ औक़ात आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो आपकी आपका इंटरेस्ट देख कर और वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है कर लो लेकिन बाहर के लोग जब आके बोलते हैं कि यार ये तो वहाँ तो वैसे होता है वहाँ तो ये भी होता है एक ही है और एक ही लड़की है और एक ही बेटी है कहाँ भेज रहे हो ये वो तो इन सब को फेस करने में बहुत मुश्किलात होती हैं और मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा हुई थी कि अम्मी का बहुत वो था कि नहीं करना और उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगा दी और फिर बाद में भाई बड़े भाई का बहुत सपोर्ट है मुझे तो उसने कहा कि नहीं मैं लेकर आऊँगा मैं छोड़ कर आऊँगा और मैं वहाँ पर बैठूंगा ये करूँगा वो करूँगा मैं देखूँगा तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है लेकिन अब तो जैसे टाइम निकल गया तो अब अम्मी को पता है कि ये खुद मैनेज हर चीज़ कर लेगी तो अब उनको इतनी टेंशन नहीं होती लेकिन अब भी हर जगह भाई होता है साथ में और उसका वो होता है कि पिक एंड ड्रॉप वही मुझे देता है और बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं बैठना होता तो वो ये होता है कि मेरे साथ बैठ भी जाता है और कभी ये कि चला भी जाता है बिल्कुल उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैंने नापा के शॉर्ट कोर्सेज उसको भी करवा दिए हैं तो हाँ और ये होता है कि हम मेरे पास जो स्क्रिप्ट आते हैं तो हम मैं अपनी एक लड़की का कैरेक्टर निकालती हूँ और उसके लिए लड़के का कैरेक्टर निकालती हूँ तो हम घर में मतलब वो कर रहे होते हैं कि और बहुत ज़्यादा अच्छा वो अच्छा निकल के आता है जब मैं कर रही होती हूँ स्क्रीन पे तो मतलब कि एक फर्स्ट टाइम मैं जो पढ़ती हूँ ना मैं कहती हूँ यार क्या फील होगी क्या होगा क्या होगा लेकिन जब मतलब मैं अपने एडी को कह देती हूँ कि मुझे रात को आप सेंड कर दिया करें कि क्या सीन है मेरे तो फिर मैं अपने भाई के साथ उसकी रिहर्सल करती हूँ उसको अम्मा भी बनाती हूँ उसको भाई भी बनाती हूँ उसको बहन भी बनाती हूँ तो वो सीन भी मुझे याद हो जाता है रिहर्सल भी हो जाती है पूरे घर का माहौल बहुत आपकी अटेंशन बहुत अच्छी है और खुशी हो रही है और इसी तरह इसको जारी रखें तो आपसे एक तो मुझे एक बहुत अहम सवाल पूछना है दूसरा उससे पहले मैं ज़्यादा मुतजस्सिस इस बात पर हूँ कि वो जो कंपोजिशन आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड सुना रहे थे वो अगर थोड़ी सी सुना दें तो इससे पहले कि ये जालिम वक्त हमें कहे कि चलो घर को तो ये सुन लें और इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि हम तो देख रहे हैं क्लासिकी मौसीकी का फ्यूचर बड़ा ताबनाक है आप जैसे नौजवान इस शोबे में आ रहे हैं आपके जहन में मुस्तकबिल कैसे दिखाई दे रहा है वो इसके बाद आपने मुझे बताना और ये क्या चीज़ है बता भी दीजिए ये कंपोज किया है खमाज में ठीक है आपने जी ठीक है कोशिश की है ठीक है तो एक धुन भी एक होनी चाहिए तो बड़े खूबसूरत से एक ठुमरी टाइप ठीक ठीक Thank you.
بہت ہی اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ. تو وہ سوال کا مختصر جواب دیں اور پھر ان سے بھی ایک دو مختصر سوال امبر سے ہم نے پوچھنے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے شو کا. تو جی میں کوشش کرتا ہوں. کلاسیکی موسیقی کا مستقبل ایک نوجوان فنکار کی نظر میں؟ بالکل. کلاسیکل موسیقی کا جو دیکھیے فیوچر ہے پاکستان میں بہت ہی زیادہ کٹھن بہت زیادہ مشکل وقتوں سے گزر رہا ہے ابھی تک. ابھی تک اتنی زیادہ جدیدیت سب ہونے کے باوجود, بالکل مختلف برانڈز کے موسیقی کے شوز ہونے کے باوجود, اسٹوڈیو ٹائپ چیزیں ہونے کے باوجود, بالکل. اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک ٹیگ کا بڑا ایک وہ ہو گیا. ٹھیک ہے کہ جب تک ایک چیز پہ ٹیگ نہ لگا وہ ہم چیز لیں گے نہیں. ٹھیک بالکل. آرٹسٹ چاہے جتنا ہی اچھا ہو تو اس کو جب تک ہم لیں گے نہیں. ہمارے ملک میں یہ کیا نام ہے جتنے بھی یہ جو منسٹری لیول یا گورنمنٹ کو بھی اس پروگرام کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان کو سمجھ میں آئے کہ بات صرف میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ میں کلاسیکل بجاتا ہوں یا صرف میں ہی ساری زندگی کلاسیکل بجاؤں گا, کہ میں میرے بعد بھی کوئی آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اس سے پہلے مجھ سے پہلے جو لوگوں کا حال ہو چکا ہے وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں. بالکل اسم خان صاحب بالکل بہت بڑی اگزامپل ہیں. اور جتنے بڑے بڑے خان صاحب کا میں نام لوں, میرے استاد, بالکل میرے دادا, جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی ایز اے پاکستان کو, جن لوگوں نے ریپرزینٹ کیا ملک بھر میں, جن کو پہچان پوری دنیا میں, پوری دنیا میں, تو ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے یہاں پر ہمارے ٹوٹل پاکستان کے اندر صرف دو یا تین آرگنائزیشن ہیں کلاسیکل کے حوالے سے, جن میں سے سر فہرست تہذیب فاؤنڈیشن, جن کے سی جو ڈائریکٹر ہیں شریف اوان صاحب اور ان کی وائف ہیں محلت. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ آ جائیے اے پی ایم سی, آل پاکستان میوزک کانفرنس کراچی, وہ دیکھتے ہیں اعلیٰ مشرف اعلیٰ رضا. اچھا تیسری آرگنائزیشن ایک ایل ایم ایف میں ہے, لاہور میں ہے ایل ایم ایف, جس کا نام ہے لاہور میوزک فورم. اس کے مختلف لوگ اکٹھا کر کے کسی نہ کسی کو کر دیتے ہیں. اچھا سمپورنا بھی تھی, بالکل صفیہ آپا کی کرتی ہیں, اور بھی دو تین ایسی مختلف ایسی ہیں آرگنائزیشن. لیکن پرابلم کیا ہے کہ سال میں اگر 12 مہینے اور صرف کانفرنس 2 دفعہ ہو رہی ہے تو آرٹسٹ کا سروائیول ناممکن ہے. بالکل ایسا ناممکن ہے. یعنی کہ میں جس طرح میں اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے بی ایس بھی کیا, میں کمپیوٹر انجینئر بھی ہوں, لیکن جس طریقے سے میں نے کیا وہ میں جانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر مختلف, جیسے کہ ابھی میں لنڈن دیکھ کے آیا, پھر انڈیا میں دیکھ کے آیا, ایون افریقہ میں دیکھ کے آیا, افریقہ کے زیادہ حالات ہم سے اچھے ہیں آرٹسٹوں کے. صرف کہنے سے جی ہمارے ملک کے یہ بہترین فنکار ہیں, ہونے سے ہم میوزک کے لیے کام داد سے پیٹ نہیں بھرے گا. بلکہ ایک آپ کے ایک میں ایگزامپل دوں گا اور اسی بات سے گفتگو تمام ہی ہو جائے گی تقریباً. یہ اس کے اندر بہت سمپ گفتگو ہے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے, کوئل بھوکی تھی, کوئل آئی چڑیا کے پاس, اور کوئل نے بولا چڑیا کو کہ مجھے کھانا دے دو, میں بہت بھوکی ہوں, اور اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ گی تو میں تمہارے بچوں کو گانا سکھا دوں گی. تو چڑیا نے اس کو دیکھ کے کہا کہ جس کا استاد اس کام کے لیے بھوکا رہ جائے تو مجھے اس بچوں کو وہ کام نہیں سکھانا جس کا استاد بھوکا رہ جائے. جس پیشے کا استاد بھوکا ہو وہ پیشہ اس نے اپنے بچوں کو نہیں سکھانا. تو خدا را پاکستان کے آرٹسٹوں کو, میوزیشنز کو, کلاسیکل کو واقعی پروموٹ کریں, صرف عملی طور پہ کریں. کیونکہ زبانی جمع خرچ نہیں. جن لوگوں کے میں نے نام گنوائے ہیں وہ کتنا کانسرٹ کریں گے, کتنے ایک آرٹسٹ کو پے کریں گے, جی کتنا کر سکتے ہیں. اب بجلی کا بل ہی 30-25-20,000 آتا ہے گھر کا. بالکل. اب ہر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں پر آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضروری ہے, آپ کو تمام طرز زندگی, آپ کو لیوائز بھی پہننی ہے, آپ کو ہر چیز پہننا ہے, آپ کو میکڈونلڈ بھی جانا ہے, آپ کو کے ایف سی بھی جانا ہے, آپ کو گاڑی بھی لینی ہے, کیونکہ بالکل کیونکہ دیکھیے جینا ہے نا. جی تو جب تک آپ اپنے آرٹسٹوں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے اور آپ ان کو آرٹسٹوں کو واقعی سپورٹ نہیں کریں گے, تو میں نے تو کام کر لیا کیونکہ میرے گھر میں تھا. اچھا مجھ سے جو میرے بعد جو میری نسل آئے گی کیا وہ کام کرے گی؟ وہ تو مجھ سے زیادہ ماڈرن ہوگی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا یہ کام بہت زیادہ سمرائز ہو جائے گا. تو خدا را اس کو نہ کریں.
आर्टिस्टों को, वाकई जो आर्टिस्ट हैं, एक जो एक और भी आर्टिस्ट होते हैं, तो देखिए पहचानिए आर्टिस्ट है कौन. बहुत ही अच्छी बात है ये तो. अच्छा अंबर, आप मुझे बताएं कि थिएटर तो आप कर ही रही हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे टीवी का है कि मतलब एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने किए भी हैं. मैंने थिएटर करने के बाद एंड नहीं किया कि मुझे सीखना नहीं है, मैं सब सीख चुकी हूँ या इस तरह से. मैंने जब मैं गई तो जब टीवी मैंने देखा, किया नहीं था सिर्फ देखा, तो मुझे सब कुछ बहुत डिफरेंट लगा. मुझे लगा थिएटर बिल्कुल डिफरेंट है, टीवी बिल्कुल डिफरेंट है. और थिएटर में आप हर वक्त मौजूद होते हो, चाहे आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ भी है आप हर वक्त मौजूद होते हो. तो और टीवी में ये होता है कि आप पे कैमरा है तो आप हो, वरना नहीं हो, आप पीछे कुछ भी कर रहे हो, जब आपका सीन होगा आपको बुला लेंगे. और एक थिएटर में मुझे मतलब ये बहुत वो लगा कि थिएटर में हमें चीखना सिखाता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत पीछे तक बैठी हुई होती है. चीखना नहीं, बुलंद आवाज में बुलंद बोलना. मुझे तो चीखना ही, मैं तो चीखना ही कहूंगी कि चीखना सिखाता है. ठीक है, आवाज की इतनी ज्यादा एक्सरसाइज होती है कि जिसकी कोई हद नहीं. और जब हम कैमरे में आते हैं तो फिर वो बिल्कुल माइनर सा एक माइक होता है कि भाई इसमें ही आपको बोलना है और ये सब चीजें. तो मैं एक्टिंग के लिए अभी कर रही हूँ चीज़ें. मैंने दो प्रोजेक्ट्स किए एज ए एडी, तो अब मैं पूरी तरह से ट्रेन हूँ कि मुझे टीवी कर लेना चाहिए. तो उसके लिए अभी मेरी एक दो जगह बात भी हुई हुई है और कास्ट भी हो गई हूँ इंशाल्लाह. तो अब हम के लिए एक प्रोजेक्ट करूँगी और डेट्स ले ली हैं. ईद के बाद उन्होंने कहा है कि स्टार्ट होगा. सही, तो अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल. तो तुराब, अब फ्यूचर में कोई, पहले तो मौसीकारों की और जो गुलुकार होते थे अपनी एल्बम्स लॉन्च करते थे, फिर वो सीडी का ज़माना आया, अब तो सीधा सीधा वीडियो से भी बात आगे चली गई है यूट्यूब वगैरह पे. अब तो अब इस सारे सिनेरियो में फ्यूचर प्लानिंग आपके पास क्या है, और जो आप जैसे और स्ट्रगलर हैं आर्टिस्ट उनके लिए मशवरे क्या हैं, क्योंकि आप तो खासी छोटी उम्र से ये काम करते हुए आ रहे हैं और ख़ासा तजर्बा आप कर चुके हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइए. सबसे अच्छा आपके सवाल में ही जवाब है कि सबसे अच्छी बात यही है कि यूट्यूब सबसे अच्छा चैनल है और आर्टिस्टों के लिए. मेरी जो आजकल जो चल रहा है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. आपका चैनल है यूट्यूब का जिस पर सुन सकते हैं? जी, मेरा चैनल है यूट्यूब का तुराब अली खान के नाम से, लेकिन जो अब मैं थोड़ा सा कमर्शलाइज की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी साल जो है क्वालिफिकेशन की वजह से जाम में कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा आउट रहा. फिर इसके बाद आपको पता है मौके इतने नहीं है कि साल में एक ही दफ़ा बंदा सुन ले, तो फिर वो इतना गैदर नहीं हो पाता. अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि अपने मैं खुद के ट्रैक्स बना रहा हूँ. ठीक है, तो वो मैं ट्रैक्स की वीडियो भी बनाऊंगा, और वो ट्रैक जो होंगे, जो उसके जो पीछे बैकग्राउंड होगा यानी कि जो अरेंजमेंट होगी, वो सारी आपकी होगी अंग्रेजी यानी कि मॉडर्न तरीके का म्यूज़िक होगा, लेकिन जो मैं प्ले करूंगा राग में वो प्योर क्लासिकल होगा. बिल्कुल. तो उससे ये होगा कि काफ़ी अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया, एक मेरी भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चला जाएगा, जहाँ पर आप अपने मुल्क को सर उठा के कह सकते हैं कि भाई ये मेरे मुल्क का है, ये आप ज़रा सीडी सुन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाहर जब मैं एक और चीज़ मैंने देखी बाहर ममालिक में, क्लासिकल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और ये कहना बहुत शायद ज़रूरी है. जब मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मैंने परफॉर्म किया लंदन में, तो जहाँ चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो वहाँ के यूरोपियंस हो, उन्होंने मुझे जब देखा ना ऐसे करके ऊपर से लेके नीचे तक, मेरा पजामा, मेरा भूसा, मेरी शॉल, मेरा कुर्ता, तो उन्होंने पहला सवाल ये नहीं कहा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा आर यू फ्रॉम इंडिया, उन्होंने कहा नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. रियली 100 में से 80% का रेशियो मैं आपको मैं बता रहा हूँ रियली का. अब वो जब भी रियली कह रहे थे मैंने यहाँ पर बड़ा चुपता था. हाय. दूसरी चीज़ ये कि वो बाहर के लोग पाकिस्तान के क्लासिकल आर्टिस्ट को ये समझते हैं, सॉरी क्लासिकल म्यूजिक क्या समझते हैं, कवाली और गज़ल. ये हमारा क्लासिकल म्यूजिक समझते हैं बाहर मुल्क में. ये देखिए कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है. तुमको मैंने बताया कि नहीं भाई, कवाली और गजल से भी आगे दुनिया है. अच्छा, हमें जो कि इजाज़त लेनी है, और हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो आपकी फिर किसी चीज़ पर करें. तो जाने से पहले सना, मैं कुछ कहना चाहूँगा, आप भी कुछ कहें. मैं सिर्फ जो कहना चाहता हूँ कि
ان دو نوجوانوں کی صورت میں دیکھیے پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے, باصلاحیت ہے اور اپنا آپ ثابت کر رہا ہے, تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے نجی سطح پہ, حکومتی سطح پہ اور ثقافتی سطح پہ, جہاں جہاں کچھ ہو سکتا ہے. آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیجئے کیونکہ یہی ہمارا روشن خیال مستقبل ہیں. بالکل. اور یہ جتنا آگے بڑھیں گے پاکستان اتنا آگے بڑھے گا. بالکل. اور یہاں پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ان دونوں نے بہت ہی کم عمر میں اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچان کر اپنا کریئر بنایا ہے, اسی طرح آپ لوگوں کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں اور اپنا کریئر بنائیں. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور لگن سے کام کریں, محنت کریں, خوب محنت کریں, اور خواب دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں, کبھی نہ کبھی انہیں تعبیر ضرور ملتی ہے, آپ لوگوں کو ملے گی. ہماری نیک تمنائیں اور خواہشیں اور دعائیں سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ چائے خانہ میں تشریف لائے. چائے پتہ نہیں اچھی تھی بری تھی, بہرحال ہم نے آپ کو پلائی. تو اب تراب آپ ہمیں کچھ سنائیے اور اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہتے ہیں اسی ساز کے ساتھ. دیکھتے رہیے چائے خانہ. شری آپ کو جناتے ہیں.